अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। आज की वीडियो जो है वो इस पॉली जेल नेल बिल्डिंग जेल के ऊपर है और इसके बारे में रिव्यू का मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी आई थी कि इसके ऊपर रिव्यू करें कि ये वाकई वर्क करता है, इससे हम नेल्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते, नेल्स कितने लॉन्ग लास्टिंग है, खूबसूरत लगते हैं, बसूरत लगते हैं, कैसे लगते हैं, सारा कुछ जो है वो आप लोगों को आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी देखनी है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ, ये पॉली जेल नेल है और ये आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी है। ये देखें क्योंकि ये मैंने यूज करी है इसको टेस्ट करने के लिए और इसको मैंने मंगवाया था एक मंथ पहले। उसके बाद ये मुझे मिली थी इसके साथ एक एलईडी लाइट जो कि जिससे जो है ना पॉलीजेल ड्राई होती है, इसके बगैर जो है ये वर्क नहीं करेगी। हमने दराज से ली थी, 1300 या 1600 समथिंग की भी डिलीवरी मुझे पड़ी थी क्योंकि मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने एक महीना पहले ये मंगवाई थी, ठीक है। और मैंने ये इसलिए इसके साथ मंगवाई थी क्योंकि मुझे पता है कि जेल को ड्राई करने के लिए ये वाली लाइट जो है मुझे जरूरत पड़ेगी। तो इसको मैं ऑन करके दिखाने लगी हूँ आपको। तो ये देखें इस तरीके से जो है जब इसको हम कनेक्ट करेंगे एक्सटेंशन के साथ या प्लग के साथ, इस तरीके से जो है वो ऑन हो जाती है और फिर हम इसको इस तरीके से करके नेल्स को जो है अपने ड्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमें सामान क्या क्या चाहिए, क्योंकि जो मैंने वीडियो देखी थी ना उसमें था कि भाई एक आपने पॉलीजेल लेनी है, एक स्पैचुला लेना है जिससे आप ट्यूब से सामान निकाल सको, एक लिक्विड और एक इस तरह का ब्रश जिससे आप नेल पे जो है इसको सेट कर सको। उसके बाद आपने नेल कपर लगाया, ब्रश की मदद से स्प्रेड किया, एक क्लिपर लिया आपने वो इसके साथ लगाया, फिर एलईडी लाइट से नेल्स को ड्राई किया और आपके नेल्स जो है वो रेडी हो गए। उसके बाद आप ग्लिटर लगा लें और फाइलर से जो है इनकी शेप कर लें और आपके नेल्स जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए, ठीक है। तो मैंने जो सामान ऑर्डर किया था ना उसमें नेल्स जो नहीं थे वो मैंने खुद खरीदे थे नेल्स इस तरह के, क्योंकि इसकी नेल की जो प्लास्टिक होती है वो ऐसी होती है कि जेल इसके साथ चिपकती नहीं है और जब आप एलईडी के नीचे रखते हो नेल्स को तो वो आराम से जो है वो रिमूव हो जाते हैं। और नेल्स जो आपने लेने होते हैं वो आपने अपने नेल्स के साइज से थोड़े से बड़े लेने होते हैं और इस तरीके से आप इसके ऊपर ट्यूब लगाओगे और इसको आपने सेम इस तरीके से ब्रश से स्प्रेड कर लिया और उसके बाद जो है आपने इसको देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्प्रेड हो गया, उसके बाद नेल पे लगाया और क्लिपर लगाया और रेडी हो गया। जो एलईडी लाइट मुझे मिली थी वो इतनी छोटी सी थी, इसके नीचे ये स्टैंड सा है इसका, ये फोल्ड भी जाता है और खुल भी जाता है, ठीक है। तो जो मेरे पास लिक्विड नहीं था तो मैंने उसकी जगह पर मेकअप रिमूवर यूज़ कर लिया है, मैंने सुना है कि वो भी यूज़ हो जाता है। फिर ये स्पैचुला मैंने अपने नेल वाली किट में से ले लिया, पहले मैंने नेल्स को अच्छे से साफ कर लिया है कुछ लगावाना हो नेल पे जो मेकअप नेल रिमूवर होता है उसकी मदद से। उसके बाद जो है हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने ट्यूब ली है, ट्यूब जो है आप डायरेक्ट भी नेल्स पर लगा सकते हैं, इसके अलावा जो फेक नेल है उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फेक नेल उठा रही हूँ, उसके ऊपर मैं लगाऊंगी ट्यूब और नेल का जो साइज है वो आप अपने जहन में रखिएगा कि आपके ओरिजिनल नेल के साइज से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने मेकअप रिमूवर लगाया ब्रश के अंदर, उसके बाद जो है मैंने जेल को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और अब उस नेल को जो है मैं अच्छे से अपने नेल्स पर लगा लूंगी। मैंने जो नेल्स लिए थे ना वो ये वाले लिए थे जो पूरे नेल पर अप्लाई नहीं होते, सिर्फ नेल के टिप पर अप्लाई होते हैं, फेक नेल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने हल्का थम वाला जो है वो ड्राई कर लिया है, फिर मैंने साथ साथ जो है बाकी जितने भी नेल्स है उसके ऊपर लगाती गई हूँ। आपको नजर आ रहा होगा पॉलीजेल, किसी में मैंने नेल पर लगा लिया है, किसी में मैंने डायरेक्ट जो है वो अपने नेल पर लगा लिया और फिर बाद में जो है वो ब्रश की मदद से उसको स्प्रेड करके और इस तरीके से मैंने सारे नेल्स पर जो है वो उसको लगा लिया है और साथ साथ जो है मैंने इसको ड्राई कर दिया है, ठीक है। अब ये जो नेल किट है ना ये आई थी क्योंकि मैंने छोटी वाली मंगवाई थी ना, अब इसके अंदर जो है एक बड़ी वाली भी है जिसके अंदर सारा सामान आपको मिल जाता है और वो 2700 समथिंग की आती है पूरी। मैं कोशिश करूंगी उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा लूँ, अगर आप लोगों ने बाय करनी है तो आप वो वाली बाय करना, ये छोटी वाली जो है ये बहुत तंग। खैर उसके बाद जो है सारे नेल जो है मैंने इसके नीचे रखे हैं और इसके बाद ड्राई हो गए थे। अच्छा जब मैं इसको डायरेक्ट ड्राई करती हूँ थोड़ा सा टाइम लगता है, एक मिनट में क्या करती हूँ इसको उल्टा करके ना उसके बाद जो है डायरेक्ट उस लाइट के ऊपर नेल्स रख लेती हूँ, उससे जो है कुछ सेकेंड्स ड्राई हो जाते हैं फौरन से, लाइक 3-4 बस आप 10 तक गिनो ये ड्राई हो जाते हैं। अब उसके बाद देखें मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर रही हूँ और अब आप देखें कितने अच्छे नेल्स बन गए और इतने मजबूत नेल है ना कि मैंने ये एक दो दिन पहले बनाया था टेस्ट के लिए, मैंने बर्तन भी धोए, मैंने हाथ धोए अपने, मैंने चीज़ों को ना इससे स्क्रैच किया तो ये नेल नहीं उतरे थे और यहाँ पे देखें आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इसके बाद आप इसके अंदर जो है ना वो थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी कर सकते हो, आप ग्लिटर डाल के अप्लाई कर सकते हो, आप कोई कलर डाल के अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा पॉली जेल जो है वो ग्लिटर्स वाले डिफरेंट कलर वाले में मिलते हैं और आपको मतलब आप ज़्यादा ट्रेंड हो, आपको पता है मैं तो इतने नेल्स लगाती भी नहीं हूँ ना, मैं नेल पॉलिश लगाती हूँ बहुत ज़्यादा, तो जो लोग ऑलरेडी नेल्स वगैरह लगाते हैं नेल आर्ट करते हैं वो इससे ज़्यादा अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। हाँ ये वर्थ बाइंग है, इससे आप नेल्स को बना सकते हो, आप जिस तरह का मर्जी डिज़ाइन कर सकते हो नेल को और ये इतना ज़्यादा टाइम वेस्टिंग भी नहीं है, फ़ौरन से क्विक हो जाता है। मतलब मेरे जैसा बंदा जिसने कभी नेल्स वगैरह नहीं अप्लाई करे हो जब वो लगा सकता है तो आप लोग भी लगा सकते हो। इसके साथ ना एक और इसका यूटेंसिल आता है वो इस तरीके का होता है, मैं आपको दिखाने लगी हूँ किसी की वीडियो से क्लिप लेके, ये अगर आपको मिल जाए ना कहीं से तो आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इससे क्या होता है कि आपके नेल के नीचे वाले हिस्से में जो जेल होती है ना वो नहीं चिपकती और बिल्कुल सफाई से आप बना सकते हो इससे। और इसको इस तरीके से आपने बस नेल के लगाना होता है और इसके ऊपर आपने एप्लीकेशन करनी होती है और उससे जो आपके नेल के नीचे वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन। उसके बाद जो आप इस पर कोटिंग करके आप इनको दिखा सकते हैं। अब आप देखें मैंने यहाँ पे नेल्स को फाइल किया हुआ है, आप इनकी शेप देख लें आप कितने अच्छे लग रहे हैं ये, हालांकि मैंने इतना नीट और क्लीन तरीके से बनाए नहीं लेकिन फिर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। दो नेल से मैं उतार चुकी थी क्योंकि मैं यहाँ पे उतार रही थी, बच्चे आ गए थे कमरे के अंदर, मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से वीडियो खत्म
करती हूँ, बच्चे शोर कर रहे थे, इसी वजह से मैंने स्टार्ट में वीडियो बोल के बनाई है, बाद में जो है चुप करके बनाई है। तो मेरी तरफ से ये जो पॉलीजेल है ये 100% रिकमेंडेड है, बहुत ही काम की चीज़ है, स्पेशली जो सैलून में काम कर रही है ना लड़कियाँ, ब्राइड्स वगैरह के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि ब्राइड्स को ना फेक नेल बहुत पेन करते हैं, उतरने में बहुत दर्द करते हैं, तो ये वाले जो नेल है ना ये उतर भी आराम से जाते हैं और मजबूत भी बहुत ज़्यादा है, कि आप कुछ भी काम करो, लहंगे उठाओ जो मर्जी उठाओ आपके निकलेंगे नहीं है, और आप आसानी से जो है इस पर डिजाइनिंग भी कर सकते हो। तो बाकी ये है कि मैं पेज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर तो मुझे मिल गया, ठीक है, अगर मुझे मिल गया तो मैं डाल दूंगी, वरना आप लोग खुद ढूंढ लेना, मैंने पिक्चर तो लगा ही दी आप लोगों को। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा, ऐसा तो लाइक शेयर जरूर करना, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।